एनिमेशंस, अगर मैं एनिमेशंस की बात करता हूँ तो आपको लगता है ठीक है कार्टून है बच्चों के देखने का चीज़ है, लेकिन उसमें जो बनाने में मेहनत लगती है वो एक बहुत अपर लेवल की हाई लेवल की मेहनत होती है। और वही अगर मैं एनिमेशंस की बात करूँ जो नॉर्मली हर बच्चा देखता है, ऑलमोस्ट अमेरिका या चाइना आउट ऑफ इंडिया के एनिमेशंस होती है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो मेड इन इंडिया एनिमेशंस के ऊपर है। सो बिना टाइम जाए कर एक्चुअली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। सो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट एनिमेशन मूवी की। सो इंडिया की जो सबसे पहली एनिमेशन मूवी है वो है ये द प्रिया ब्रदर्स, डायरेक्टेड बाय हुआ था ये गुणमय बैनर्जी और प्रोड्यूस किया था न्यू थिएट्रिकल लिमिटेड ने, और ये रिलीज़ हुआ था कोलकाता में 23 जून 1934। और ये 3 से 4 मिनट की मूवी थी जो पहले इंडियन थिएटर पर रिलीज़ हुई थी। सो ये तो हमने बात कर ली है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट थी। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो होगा कलरफुल, इंडियाज फर्स्ट कलरफुल एनिमेटेड मूवी की। सो इंडिया की जो सबसे फर्स्ट कलर्ड एनिमेटेड मूवी है अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो मूवी रिलीज़ हुई थी 1957 में, इंडियाज़ फर्स्ट एनिमेटेड मूवी। इसको हम इंडियाज़ फर्स्ट एनिमेटेड मूवी भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली एक कलरफुल फर्स्ट एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम है द बनियान डियर, जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी को बनाने के लिए जो डिज्नी है उसके भी कुछ एक्सपर्ट से थोड़ी बहुत मदद ली गई थी, क्योंकि ये इंडियाज़ की फ़र्स्ट एनिमेटेड कलर मूवी है, इसलिए उनसे थोड़ी बहुत मदद ली गई थी। सो अब हम बात करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट टीवी सीरीज़ एनिमेशन की। और इंडिया के जो फर्स्ट टीवी सीरीज़ एनिमेशन शो है उसका मेरे पास एक क्लिप भी है, सो मैं क्लिप दिखा देता हूँ आपको, आप पहले देख लीजिए। इस प्रदेश का नाम है वर्तमान, बीते हुए कल के स्तंभों पर खड़ा और आने वाले कल को छूने को निरंतर लालायित। यहाँ के लोग कर्म में विश्वास रखते हैं और उसे जीते हैं। वर्तमान पर एकाक्षी संकट की आंख हमेशा लगी रहती है। मुझे भविष्य चाहिए, वर्तमान के लोगों से कहो मुझे भविष्य दे दे। संकट वर्तमान के गर्भ में छिपे भविष्य के खजाने को हथियाना चाहता है। वो अपने गुलाम लोभ भय संशय ईर्ष्या द्वेष आदि की मदद से वर्तमान के निवासियों को कमजोर बनाना चाहता है, ताकि वे निकम्मे हो जाएं और भविष्य उनके हाथ से। तो यार वो जैसा आपने देखा ये था इंडियाज फर्स्ट टीवी सीरीज एनिमेशन शो की, जिसका नाम था वर्तमान, जो डीडी कि किसी चैनल पे आता था। सो उन्हीं का ही है ये, मैंने बस आपको दिखाया। और इससे पहले जो दो शो थे, सोनी वो एनिमेटेड मूवी थी जिसका नाम था, एक का नाम था द बनियान डियर और द पिया ब्रदर्स, इन दोनों में से किसी की भी क्लिप अभी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत खोजा लेकिन इसकी अवेलेबल थी, सो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये तो हो गया टीवी सीरीज़ एनिमेशन और इन सब की। अगर हम और कितने लोग ये सोच रहे हो कि वर्तमान शो कब बना था, तो जैसा आप देख सकते हैं 1994 से 1995 के बीच में आया था ये शो। और ये इसके विकिपीडिया पेज है जिसमें आप देख सकते हैं वर्तमान, जिसके 26 एपिसोड बने थे और 13 मिनट का रनिंग टाइम था इसका। डीडी नेशन पे आता था, 480i की इसकी स्क्रीन क्वालिटी थी। और ये तो बात हो गई टीवी शो की। अब हम बात करेंगे कि जैसे इंडियाज़ फर्स्ट 3D एनिमेशन मूवी, मूवी बोलिए शो बोलिए, सो ये भी बन चुके हैं इंडिया के, वो भी मेड इन इंडिया। सो अब मैं आपको उसकी कुछ क्लिप दिखा देता हूँ या मूवी का नाम भी बता देता हूँ। सो ये है मूवी रोड साइड रोमियो, जो यश राज फिल्म्स और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने मिलकर के बनाई थी। रोड साइड रोमियो वो इंडिया की फर्स्ट 3D एनिमेटेड मूवी थी। सो अब मैं आपको कुछ उसकी क्लिप दिखा देता हूँ। रोमियो, 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 रोमियो। Romeo, I've got these girls in my arms, man, who roam.
तो ये थी उसकी क्लिप, जो ये उसका टाइटल ट्रैक बोल सकते हैं या थीम सॉन्ग बोल सकते हैं जो एनिमेटेड मूवी का होता है। तो यही थी इंडिया की फर्स्ट 3D एनिमेटेड मूवी जो वॉल्ट डिज्नी और यशराज फिल्म्स ने मिल करके बनाया था, रोड साइड रोमियो। और इस मूवी में आवाज़ दी है जो मेन कैरेक्टर है उसको आवाज़ दी सैफ अली खान सर ने, जो रोमियो है उसको आवाज़ दी सैफ अली खान सर ने, और भी बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं। सो ये तो हो गया 3D एनिमेटेड मूवी के बारे में, इंडिया की फर्स्ट। सो एक और टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ, इंडियाज़ मोस्ट बजटेड एनिमेशन मूवी। सो वो है ये कोची दया 3D, ये ऐसा ही कुछ है, मैं पढ़ने में प्रॉब्लम है। सो ये उसका विकिपीडिया पेज है जैसा आप देख सकते हैं। इसका मेन कैरेक्टर रजनीकांत सर और दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन, नरेटेड बाय और भी बहुत सारे, AR रहमान ने इन पे म्यूज़िक दिया है। 23 मई 2024 इसकी रिलीजिंग हुआ था, 100 कुछ मिनट का रनिंग टाइम है इसका। सो ये तो हो गया पिक्चर की बात, सब मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा देता हूँ इसकी। तो ये था इस मूवी का क्लिप, और अब मैं आपको इसका बजट बता देता हूँ। इसका बजट था 125 करोड़, और इसने ओपनिंग वीकेंड में 42 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड कमाई की थी। इसके आगे का अभी शायद मुझे पता नहीं है, और आप भी जाके पता कर सकते हैं। कोची दया ऐसा कोई है, अच्छी मूवी है। सो रजनीकांत, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, इन सबके में बनी गई थी। और वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपको भी कोई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो की चाहिए कि हाँ इस पे चाहिए, तो बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। और जैसा आपको पता है कोरोना वायरस चले, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी रहें, बाहर जाएँ सैनिटाइज का यूज़ कीजिए, और स्टे होम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी रहिए। तब तक के लिए बाय, जय वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।